परवन विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत एराक के मऊ ग्राम खदरी में बने प्राथमिक विद्यालय के पीछे लगा इंटरलॉकिंग खड़ंजा। ग्रामीणों ने बताया खड़ंजा 2 साल पूर्व लगाया गया था। जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट से बने खड़ंजे में बिक्षी पाइपलाइन धस गई है और इस खड़ंजे पर प्राथमिक विद्यालय के खिड़कियों में व इंटरलॉकिंग खड़ंजे पर बांधी जा रही कई भैंस बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश सदस्य भाजपा नगर विकास सभा जिला अध्यक्ष हरदोई अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष लखनऊ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी आशीष शुक्ला ने बताया प्रधान मीना सरोज को इस विषय पर अवगत कराया था लेकिन अभी तक उन कार्यों पर अभी तक प्रकाश नहीं डाला है और वहीं प्रधान पति जो एक शिक्षक है उनको टाइम नहीं मिलता है। इन कार्यों के लिए प्रधान मीना सरोज के पति से जानकारी ली गई। प्रधान मीना सरोज इन विषयों पर ध्यान देने का कार्य करेंगे। संवाददाता अभिषेक राजपूत आए, कोई सांसद से कोई चीज आपको सुविधा मिल रही है? विधायक से कोई अगर मान लो रात में आप बीमार होते हैं 112 या एम्बुलेंस डायल करते हैं तो आती मौके पर नहीं आती? तो आ जाते हैं। माननीय योगी मोदी सरकार जो है गरीबों पिछड़ा दलित वंचित सभी के लिए तत्पर है। अगर प्रधान जी के बस का कोई चीज़ नहीं है तो प्रधान जी विधायक को बताएं, विधायक नहीं सुनता सांसद को बताएं। यहाँ के मान लिया प्रधान अपने घर से तो कुछ नहीं करेगा मगर कम से कम प्रधान को बताना तो पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा। है सर ये हम जैसा कि दादा जी आपसे हम यहाँ कुछ नहीं मिला है। कहाँ रहते हैं? खदरी। खदरी कहाँ ग्राम पंचायत चुराई खे रहे थे। आपको क्या सुविधाएं नहीं मिली प्रधान? कोई चीज नहीं मिली अभी तक, कोई सुविधा नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली है। कोई सा बैठ दादी आपका नाम क्या हुआ? हमारे भैया कुछ नहीं मिला है कुछ। दादी आपका नाम क्या है? राजकुमारी। राजकुमारी कहाँ रहती हैं आप? आप कहाँ रहती हैं? हमारा वो घर मराया पर खड़े नहीं मिल रही सर। किसके बोलिए? राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है? आयुष्मान कार्ड बना है आपका? नहीं बना, कुछ नहीं बना। आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना है? कुछ नहीं बना। अच्छा, और कोई चीज नहीं? आपको आवास भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। प्रधान मीना सरोज कितने दिन से यहाँ पे हैं? यहाँ मीना सरोज जी कभी आती हैं आपके पास? नहीं आती, नहीं आती मिलने कभी? नहीं आती। आप कभी गई हैं शिकायत लेके उनके पास? नहीं, नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करें भैया? और कौन बोलेगा? आपका आपका नाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपके हस्बैंड हैं? हाँ हैं। क्या करते हैं? मजदूरी? मजदूरी करते हैं साहब। राशन कार्ड बना है आपका? राशन कार्ड मिला बना है, वो वाला बना है जो नेट पर। आपको घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना या ग्रामीण कोई आवास मिला आपको? हमका खबर कॉलोनी मिली है, हमारा वो बना है, वो जो नरेगा कार्ड हो तो भी नहीं बना। आपको कॉलोनी कब मिली थी? हमका कॉलोनी मिली थी पर हो गई 4 साल। मतलब इस पंचोरसी में आपको नहीं मिला कुछ भी? कुछ भी लाभ नहीं मिला? शौचालय है आपके यहाँ? हाँ शौचालय है, वह बनवाना है। अच्छा, वो उस हिसाब में बना हुआ था? प्रधान रहा मैं अरे क्या जी, वह बनवाना है हमारा कॉलोनी, वह शौचालय बनवाना जी। आवास अभी नहीं मिले की प्रधानी में, यहाँ कुछ नहीं ना अगले वाले में। प्रधान मीना सरोज ने कितने वर्ष हो गया प्रधानी करते हुए? अभी 3 साल हो रही। 3 साल तो ग्राम पंचायत आरा का क्यों? ग्राम खदरी है ये, आप देख सकते हैं कि कितने गरीब लोग हैं यहाँ पे। विधायक कभी आती है? अलका अग्रवंशी जी आपसे कुछ पूछने? यहाँ कोई नहीं आता। माननीय सांसद अशोक रावत कभी आए? कितने महीने पहले लगी हुई? हम तो कितने साल पहले लगे? ये अभी अपना पहले श्याम कुमार है। श्याम कुमार जी खदरी, आप खदरी पे ही रहते हैं? खदरी। आप ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? ग्राम एराका केमो। एराका केमो। अब ये बताइए जो इंटरलॉकिंग जो लगी हुई है जी, कब लगी थी और किस प्रधानी में लगी? इसी प्रधानी में लगी, 10 साल से यहाँ कोई आता है, जब से शुरू हुई है यहाँ कोई आता नहीं था। इंटरलॉकिंग कब से मतलब कब लगी? ये लगभग 2 साल हो रही है, 1.5 साल। और ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर नालियाँ धसी हुई है। जल निगम का जल निगम जो पाइप पड़ी है सभी धस गई है, दोबारा रिपेयर बोल रहे हैं। रिपेयर होगा? ये रिपेयर होगा जी। किसने बोला रिपेयर होगा? प्रधान ने बोला रिपेयर होगा। कब बोला था? अभी तो प्रधान कुलदीप मास्टर मीना सरोज, मीना सरोज जी हैं। और कब तक रिपेयर हो जाएगा? जब वहाँ से ऑर्डर आएगा तभी रिपेयर होगा। जब वहाँ से ऑर्डर आएगा तभी रिपेयर वो होगा जी। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्राथमिक की ये जो केंद्र बना हुआ है, जो प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, इसकी बाउंड्री में जो भैंसे बांधी जा रही हैं, एक सही बांधी जा रही हैं?
गलत चीज है, गाँव वाले गलत है कि नहीं बांधे ये बताओ। गलत बांधी तो तुम्हारे सामने, किन लोगों की भैंस है ये, गाँव की है। मैं आशीष शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष और रक्षा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश, बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान। मैं ग्राम पंचायत अरा काके मऊ मौके पे आया हूँ। ये ग्राम खदरी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं। प्रधान यहाँ की हैं मीना सरोज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत गरीबों को आवास भी नहीं मिला है अभी तक, और बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, जैसे स्वास्थ्य कार्ड है। हमारी सरकार दलित, पिछड़ा, वंचित, मोदी योगी की सरकार जो है ये चाहती है कि जन जन तक सुविधाएं पहुँचें, गरीब जो है कोई ना रहे। हवाई चप्पल वाला, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में यात्रा करे। तो मैं ग्राम पंचायत अरा काके में माओ में आया हूँ। यहाँ की प्रधान मीना सरोज हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। उनके हस्बैंड देखते हैं, तो वो हैं नहीं मौके पे, अभी इस समय आ रहे हैं, बुलाया गया है, वो कहीं अब उनका स्वास्थ्य खराब था तो भी आ रहे हैं। तो मैं इनसे बात करूँगा, यहाँ बहुत लोगों को आवास नहीं मिला है। तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, पूछिए आप इनसे कि आवास किन किन लोगों को नहीं मिला, क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो ये लोग गरीब हैं, किसके सहारे हैं। प्रधान ग्राम पंचायत का अगर नहीं सुनता, विधायक माननीय यहाँ अलका करवंशी जी हैं, यहाँ की रोडों का इतना बुरा हाल है कि पूछिए ना। और मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष लखनऊ हूँ, और राष्ट्रीय युवा वाहिनी से प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार की कहीं पे बदनामी ना हो। योगी मोदी सरकार जो है, योगी मोदी सरकार ये चाहती है कि पूरे भारत विश्व में माननीय मोदी जी का नाम है, डंका बजता है भारत का। और मैं ये चाहता हूँ कि गरीबों के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, गरीबों के लिए एम्बुलेंस सुविधा तत्काल में पहुँचनी चाहिए, 112 डायल 100। माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, महिला सुविधा तुरंत तत्काल 112 डायल करो, तत्काल फोर्स पहुँचती है। बहुत अतरौली थाने के एसओ साहब का इस समय मौके पर मैंने फ़ोन किया, तो मौके पे थाने में नहीं है, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने एसपी साहब का नंबर अभी मिलाया है हरदोई, तो एसपी साहब का नंबर भी नहीं लगा है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित सभी के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत का अगर प्रधान कोई काम उसके बस का नहीं यार नहीं आ रहा, तो विधायक से कहे, विधायक से नहीं सांसद से कहे। अशोक रावत यहाँ के सांसद हैं, तो यहाँ अब लाइट बहुत जगह पर कोई लाइट नहीं चल रही है, देखिए ना। अब इन लोगों से पूछिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।